सर कहा जा रहा है कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत चर्चाएं हैं, लगभग पूरा जिला इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप आजमगढ़ चुनाव लड़ें। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा जी, तो कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही जी जी, लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा जी, उसके लिए तो सभी हम सब लोग तैयार हैं। सर जैसे कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार 9 साल अपनी उपलब्धियों की मना रही है, बड़ा गुणगान कर रही है। कोई उपलब्धि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम किया नहीं है, केवल देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और परेशानियां ही पैदा की हैं। तो क्या कहेंगे योगी सरकार की, जो कम 2 साल बहुत अपने आप को कह रहे हैं सबसे अच्छा? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाए, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाए, पत्रकारों को भी बदनाम कर दिया सरकार ने, वकीलों को भी बदनाम कर दिया है, और अदालत में जा करके पुलिस सुरक्षा में अगर हत्या हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ क्या है, पूरी तरह से ध्वस्त है। और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। अब ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये ढिंढोरा पीट रही है, कर कुन नहीं रही है, जनता को केवल परेशान कर रही है। कोई उपलब्धि है ही नहीं, बस झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट का मामला आ रहा है, आप लोगों की सरकार में उसको हवाई पट्टी बनाई गई थी, इसको सरकार ये कह रही है कि भाजपा कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए हम नहीं बना पा रहे। वो एयरपोर्ट को बनाना ही नहीं चाहते, केवल किसानों को परेशान कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं किसान को आप लोग गुमराह करते हैं, इस नाते वो धरने बैठ जाते हैं, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग गुमराह नहीं कर रहे, जब किसानों की कोई सहमति नहीं, किसानों से सहमति बनाए, ये जिम्मेदारी तो उसकी है, सरकार की है, क्यों नहीं किसानों की सहमति बना पा रहे? किसानों की अगर सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कहे बात की सरकार। भाजपा ये भी कह रही है कि आजमगढ़ का विकास जितना हमने किया इतना सब सरकार में कभी नहीं हुआ, हमने विश्वविद्यालय दिया जिससे आप लोग इनकार। अच्छा एक काम बता दो, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के तो इतने काम हैं, अभी इसे गिनाना शुरू करें 24 घंटे में नहीं बता सकते हम लोग।